इंडियन स्टाइल मैक्रोनी की खासियत ये होती है कि उसमें सारे वही मसाले जाते हैं जो कि हम डेली बेसिस की कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बनाने में आसान तो है ही, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आज हम वन पॉट मैक्रोनी बनाएंगे, जिसमें आपको मैक्रोनी को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो इसे बनाने के लिए एक पैन लेंगे, जिसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड किया मैंने 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर, मसाला जैसे ही तेल में चटक जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमने स्लाइसिस में काट के ऐड करना है, और प्याज को हमें बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो बीच में चलाते हुए इसे भूनिए, और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। प्याज हमारा जैसे ही भून जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो पेस्ट के बदले बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब ऐड करेंगे हम इसमें 1 बड़े साइज़ के टमाटर को, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ऐड की है, स्लिट किया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हो तो इस तरह से ऐड कीजिए, तो बाद में आप उसे रिमूव कर सकते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे ऐड किया है सारे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालिए, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर। सबकी क्वान्टिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब इसे कवर करेंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला का जो कच्चा फ्लेवर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है। टमाटर को चेक कर लेते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है वो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए। इसे मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैक्रोनी ऐड किया है, और इसे मसाले के साथ 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, और ये इतनी जल्दी तैयार होता है, मैक्रोनी को बॉयल करने का पूरा समय आपका बच जाएगा। उतनी देर में आप पूरी तरह से रेसिपी तैयार कर लेंगे, तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे भूनने के बाद अब पानी डालेंगे। तो पानी की क्वान्टिटी आपको उतनी ही रखनी है जितना आप मैक्रोनी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। मिला लेंगे सबको अच्छी तरह से। ये देखिए, अब इसे कवर करेंगे हम। तो अब इसे कवर करेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और इस बीच आपको इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट के बाद डायरेक्ट हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं मैक्रोनी थोड़ा सा साइज़ में फूला है, लेकिन अभी भी काफ़ी मॉइस्चर है इसमें। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और फिर से इसे कवर करेंगे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो चलाते समय मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया था, फिर से इसे लो कर रही हूँ, ये देखिए। और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, मैक्रोनी आप देख सकते हैं साइज़ से बिल्कुल डबल हो चुका है, और ये देखिए इसमें कहीं भी मॉइस्चर नहीं है, पूरी तरह से ये सूख चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी है तो फिर से कवर कीजिए 2 मिनट के लिए, और इसे कवर करते हुए आपको तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए और इस कंडीशन में ना आ जाए। ध्यान बस ये रखना है कि जितना मैक्रोनी ऐड करें उतना ही पानी डालिए, तो मैक्रोनी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल जूसी बनते हैं वो। तो यहाँ पर मिलाने के बाद अब ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप। इसकी क्वान्टिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं आप, अगर आपको टेंगी फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो तो। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये, और इतनी टेस्टी लगती है कि जब आप ट्राई करेंगे तब आपको फील होगी। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, अब इसे सर्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैक्रोनी कितनी सॉफ्ट बनी है, इजीली ये टूट रही है। ये देखिए, मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी ईजीली ये कट हो रही है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट बने हैं, तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, और आपने देखा मैक्रोनी उबालने का बिल्कुल झंझट नहीं है। 1 पॉट में ही आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस रेसिपी का इंग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।